हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल एमसीसी क्लासेस ब्यावरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेबर इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आने वाली 2020 की, वो पार्ट नंबर 12 चल रहा है। इसमें एमपी जीके स्पेशल पोर्शन है आपका, तो इसमें एमपी के बहुत सारे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गणगौर प्रदेश के किस क्षेत्र का गायन है? तो गणगौर है जो प्रदेश के किस क्षेत्र, ये क्षेत्रों की बात की है दोस्तों, तो ये निमाड़ अंचल का है। किस क्षेत्र का है? निमाड़ का। तो याद रखना दोस्तों, गणगौर किस मध्य प्रदेश में कहाँ पे मनाया जाता है? निमाड़ में। अगला प्रश्न है आपका, प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है? प्रेम प्रसंग से संबंधित है बलमा। कौन सा है दोस्तों? बलमा। तो बलमा बलमा एक गाना है, उससे भी आप याद कर सकते हो इसको। अगला प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य ऋतु चक्र या सीजन साइकिल से जुड़ा है? तो यह है कर्मा। कौन सा जुड़ा है दोस्तों? कर्मा। तो कर्म करो तो ऋतु चक्र आपका चलेगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। अगले प्रश्न की बात करें, आड़ा खड़ा नाच मध्य प्रदेश में किस अंचल का है? तो आड़ा खड़ा है मालवा अंचल का। किसका है दोस्तों? मालवा का। अगला प्रश्न है आपका, संजा व मामूलिया किस क्षेत्र के पर्व है? तो संजा व मामूलिया जो है मालवा और बुंदेलखंड के हैं। संजा व मामूलिया किस क्षेत्र के पर्व है? तो मालवा और बुंदेलखंड के। अगला प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश में सांझा गीत बास बसदेवा भोपा व कलगीतुर्रा किसके प्रकार है? तो ये है लोक गायन के। किस प्रकार के हैं? लोक गायन। गीत मतलब गायन, आप याद रखना दोस्तों, बसदेवा भोपा कलगीतुर्रा लोक गायन है। अगला प्रश्न आता है, बसदेवा लोक गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बसदेवा बघेलखंड से संबंधित है। बसदेवा बघेलखंड, तो बस बघेलखंड ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दादरिया नृत्य किसका नृत्य है? तो दादरिया है बेगा का। किसका है साथियों? बेगा का। तो दादा आदमी कौन रहेगा? बेगा रहेगा, तो इसे याद रख लो, दादरिया नृत्य बेगा का हो गया। अगला प्रश्न है, लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो लहंगी है सहरिया का। जिसने लहंगा पहन रखा वो सहरा है, ऐसा आप याद कर सकते हैं। सिर्फ ये याद करने का तरीका है दोस्तों। तो लहंगी नृत्य है सहरिया का। अगला प्रश्न आपका, ऐसे याद रख सकते हैं कि शादी में लहंगा पहनते हैं बहुत सारे लोग, तो लहंगा और सहरा भी पहनते हैं, सहरिया और लहंगी आपका नृत्य हो जाएगा। अगला है, छाहुर किस क्षेत्र का लोक नृत्य? तो छाहुर है बघेलखंड का। किसका है? बघेलखंड का। तो बघेलखंड छाहुर याद कर सकते हैं। अगला है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया। किसने बनवाया? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। ये प्रथम याद रखना साथियों, एलोरा का कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ स्वीकार किया गया? तो यह किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है, किस देश में चाहबार बंदरगाह है? तो चाहबार बंदरगाह ईरान देश में, आप याद रखना साथियों। आपको कमेंट में आंसर देना है, ईरान की राजधानी और इसकी मुद्रा क्या है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है, मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र का। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार था हर्यक वंश का। किसका है? हर्यक वंश का। अगला है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो यह है पटियाला। कहाँ है साथियों? पटियाला, है ना। सुभाष चंद्र बोस को कोई पटा नहीं सका था, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज कहाँ है? तो यह है स्थित ग्वालियर में। तो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? यह लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। संविधान का संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया साथियों। अगला प्रश्न है आपका, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, हाल ही में इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा जो 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है गुजरात राज्य में, वो किसकी बनाई गई है, आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला तो है नहीं आपका। अगर साथियों आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आपका वीडियो अगला जल्द आएगा, है ना, एमसीसी क्लासेस ब्यावरा पे। आप प्ले लिस्ट में भी जाके इसके अन्य वीडियो देख सकते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 12 था। धन्यवाद दोस्तों।